नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जिसमें आप इंस्टाग्राम के बारे में जानेंगे। जब भी इंस्टाग्राम आपके माइंड में आता है तो क्या आता है, इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि अब से क्या आना चाहिए। सो इंस्टाग्राम एक आज से कुछ टाइम पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन थी जिसपे लोग फ्री में फोटो शेयरिंग करते थे, जिससे सोशल नेटवर्किंग पीपल आपस में लोग आने लग गए और सोशल नेटवर्किंग बढ़ने लग गया फोटोज़ के थ्रू। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आपने वहाँ की फ़ोटो डाल दी, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया उसकी फ़ोटो ली और इंस्टाग्राम पे डाल दी, आप कहीं बाइक राइड कर रहे हैं उसकी स्टोरीज़ बनाई और इंस्टाग्राम पे डाल दी। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। स्टोरीज़ खैर इंस्टाग्राम पे पहले नहीं थी, लेकिन जब से उसने स्नैपचैट को देखा तो ऑब्वियसली इंडिया में स्नैपचैट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था और इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग में ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भी ये स्टोरी एप्लीकेबल कर लें। तो बेसिकली ये आइडिया स्टोरी उसका स्नैपचैट का था जो कि इंस्टाग्राम ने लिया और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे अब जाके इस पे वीडियो कंटेंट भी आने लग गया। अगर नॉर्मली पोस्ट की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे एक मिनट की वीडियोस 59 सेकंड और एक मिनट तक की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसे आप फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते, अगर चली तो पूरी एक साथ चलेगी, या फिर फोटोज़। लेकिन IGTV उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पे आप एक मिनट से ज़्यादा की वीडियो, सो बेसिकली इस पे आप IGTV पे काफ़ी वीडियोज़ डालते हैं। तो इंस्टाग्राम जब ऑब्वियसली जहाँ कहीं भी लोग आ जाते हैं ना, वहाँ पे बिजनेस मॉडल क्रिएट हो जाता है। कुछ स्टैटिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि बेसिकली हुआ क्या। इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे 1 बिलियन यूजर्स हैं इसके स्टैटिक्स, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। सिर्फ इंडिया में 80 मिलियन यूजर्स हैं, और अगर उसमें भी मैं थोड़ा फिल्टर करूँ आपको तो तकरीबन जो कि 90% ऑडियंस है इसमें, वो 30 साल से कम एज की है, मतलब 18 से 30 की एज में आती है। और उसको भी डिफाइन करूँ तो 18 से जो 24 की एज ग्रुप है ना, वो 53%, मतलब 90 का 53, तो बचे 30 या 32% लोग उसमें आते हैं। तो टीनेजर्स ज़्यादा हैं, मतलब अगर मैं इसे जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें जो टीनेजर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे मैं बात करूँ किसी रेस्टोरेंट में जाना, टी शर्ट्स, फैशन, ब्लॉगिंग, लोगों को डिजिटल कोर्सेज, और वो चीज़ें जो यूथ को कनेक्ट करती हैं, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिजनेस मॉडल सबसे ज़्यादा चलता है। तो दिस इज़ बिकॉज कि जितनी भी कंपनीज है, बिजनेस प्रोफाइल है, वो जहाँ पे ज़्यादा आती है। आपको मैं एक स्टैटिक्स और देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन बिजनेस प्रोफाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 2 मिलियन तो एडवर्टाइज़र हैं जो यहाँ पे एडवर्टाइज देते हैं। और एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप 3 पोस्ट 3 स्टोरीज देखते हैं, उसमें एक स्टोरी या एक पोस्ट हमेशा बिजनेस प्रोफाइल की होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजनेस माइंडसेट इंस्टाग्राम पे कितना आ चुका है। और मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब के बाद अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में तो वो है इंस्टाग्राम। बाकी सोशल मीडिया तो आती रहती हैं, चीज़ आती रहती हैं। इंस्टाग्राम की खुद की स्टैटिक्स कहती है कि अगर आप कोई फोटोज़ अपलोड करते हैं, मैं उनकी ऑफिशियल जो business.instagram.com, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, पिक्चर्स भी आपको मैं दिखा दूंगा, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो वो खुद कहते हैं कि अगर आप वीडियो ऐड चलाते हैं तो आपकी नॉर्मल पोस्ट से, नॉर्मल पिक्चर से वो 80% ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा ROI लेके आता है, ज़्यादा इंगेजमेंट, ज़्यादा रीच लेके आता है। तो वीडियो एड्स मतलब बेसिकली वीडियो पे काम करना है आपको, जो मैंने यूट्यूब की सीरीज आप लोगों को सिखाई हुई है उसको और अच्छे से करिए। अपने आज के डेट में देखो, मैं क्या था, एक यूट्यूबर से शुरू हुआ, एक ब्लॉगर बना, वेबसाइट बनाना सीख लिया, आज मैं बड़ी बड़ी कंपनी को कंसल्ट करता हूँ। बिलीव करेंगे आपको, मैं खुल के बता देता हूँ, मेरे मिनिमम चार्जेस भी 50,000 प्लस GST होता है कंपनी को कंसल्ट करना, जहाँ मुझे जाना नहीं होता। आई एम जस्ट ओपनिंग अ लैपटॉप और 4-5 बातें उनको बताई और क्या क्या करना है, बस दैट्स इट, दिन की कहानी खत्म। महीने का 50,000 प्लस GST लेता हूँ मैं एज अ डिजिटल बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो मार्केटिंग, क्योंकि आपका परसोना दिखना चाहिए ब्रो, आप में वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। आप जब बोलते हैं कि कैमरे पे आप बोलते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। इंस्टाग्राम पे भी हमें वीडियो ऐड चलाने हैं, पिक्चर आप रन कर लेना कहीं मजबूरी में, वीडियो ऐड मोर इफेक्टिव। तो बेसिकली ये कुछ स्टैटिक्स है जो मैंने आपको बताई। फिर हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक रीच कैसे लाया जाता है, हैशटैग्स की कौन कौन सी वेबसाइट है, ऑटो हैशटैग क्या है, एड्स कैसे लगाना है यहाँ पे, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, किस किस टाइप के आपको बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट्स यहाँ बनाने हैं, वो सारी चीज़ें, ऐड कैसे रन करना है, इंस्टाग्राम को ऑपरेट कैसे करना है, यूज़र इंटरफेस कैसे है, अपने आपको कस्टमाइज़ कैसे करना है, इसमें SEO रैंकिंग कैसे बढ़ानी है, और मुझे बताइएगा ये कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।